प्रतापगढ़ जिले के दामोदर थाना पुलिस ने अवैध गले सागौन की तस्करी करते हुए दो तस्करों गिरफ्तार किया। वहीं तस्करी में काम में ली जा रही एक पिकअप को भी जब्त किया गया है। वहीं दामोदर थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि डीएसटी के जरिए मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना पुलिस की टीम और डीएसटी द्वारा बिहार घाट नाकार रोड पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान नाकार की तरफ से एक पिकअप वाहन तेज गति से दिखाई दी। पिकअप को रुकवाकर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पिकअप में अवैध गले सागवान के 46 कट्टे भरे मिले, जिस पर पिकअप और सागवान लकड़ी को जब्त करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया और मामला दर्ज किया गया। वहीं पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ करने में जुटी है कि यह सागवान के गीली लकड़ी के कट्टे की तस्करी को कितने दिनों से कर रहे थे और सागवान की लकड़ी के कट्टे को किसको देने जा रहे थे।